हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 12 की फिजिक्स को लेकर के अपने ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा और आपको पूरी की पूरी सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी कोर्स को लेकर के आगे बढ़ते हुए मैं आपका दास सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 12 के फिजिक्स में। और बेटा, जैसा कि मुझे याद है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ा था और इक्वी पोटेंशियल सरफेस को पढ़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे के सारे बच्चों ने वो सारे लेक्चर्स को अच्छे से ध्यान से नोट किया होगा और अपने दिमाग में उन सभी कॉन्सेप्ट को उतार लिया होगा। तो बेटा, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी के सभी मेरे लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ रहे हो, मैं अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ। तो बेटा, आज मैं आपका दास सर जो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करूंगा, जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो हेडिंग होगा बेटा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है बेटा। तो बेटा, आपको पता है कि चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चार्ज चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जरूर क्रिएट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा? किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना, उससे जो वर्कडन मिलता है वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो चार्ज में चाहे पॉजिटिव लाओ चाहे नेगेटिव लाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मिलना ही मिलना है। आओ बेटा, सपोज कर लो कि इसके पहले हमारे पास एक पॉइंट चार्ज को मैं इंफिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहा था, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। तो यहां पर मैं कुछ एजम्पशन करता हूं। लेट अस सपोज यहां लिख देता हूं बेटा, लेट अस सपोज वी हैव सो मेनी चार्जेस लाइक पॉजिटिव क्यू वन, पॉजिटिव क्यू टू, नेगेटिव क्यू थ्री, पॉजिटिव क्यू फोर, नेगेटिव क्यू फाइव एंड सो ऑन, देन देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज विल बी, क्या होगा बेटा? बस एलजेब्रिक सम कर देंगे। क्या कर देंगे? एलजेब्रिक सम कर दो। अच्छा, यहां एक चीज छूट गया बेटा। सपोज कर लेते हैं क्यू वन चार्ज किस डिस्टेंस पे है? आर वन पे, क्यू टू आर टू पे, क्यू थ्री आर थ्री पे, क्यू फोर पे, क्यू फाइव आर फाइव डिस्टेंसेस पे सेपरेटेड एंड सो ऑन विथ देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन। यहां बेटा मैंने ऐड कर दिया, क्या लिखा है बेटा? लेट अस सपोज वी हैव सो मेनी चार्जेस लाइक पॉजिटिव क्यू वन, पॉजिटिव क्यू टू, नेगेटिव क्यू थ्री, पॉजिटिव क्यू फोर एंड नेगेटिव क्यू फाइव एंड सो ऑन विथ देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन आर वन आर टू आर थ्री आर फोर एंड आर फाइव, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज विल बी वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या होता था? क्यू अपॉन आर होता था। तो हम लोग क्यू अपॉन आर ना लिख करके सभी चार्जेस के पोजिशन के साथ उसको अलग अलग एलजेब्रिक सम कर लेंगे। तो क्यू वन क्या था बेटा? पॉजिटिव क्यू वन अपॉन आर वन प्लस क्यू टू अपॉन आर टू। अच्छा, क्यू थ्री नेगेटिव में है तो नेगेटिव क्यू थ्री अपॉन आर थ्री प्लस क्यू फोर अपॉन आर फोर, नेगेटिव क्यू फाइव है तो क्यू फाइव अपॉन आर फाइव। सो दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। सो बेटा नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसके बाद मैं और भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं।
ओके बेटा, इरेज करता हूं मैं इसे। अब जो बात है बेटा, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है, टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेकर के जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये डस्टर, इस डस्टर को यहां से उठा करके यहां तक लेकर के आए हैं, तो डेफिनेटली मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि इस चार्ज में स्टोर हो जाता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो यही काम मुझे करना है, इज इट क्लियर? तो इसके लिए सपोज कर लेते हैं बेटा मेरे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है जहां पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ला करके रखा गया है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात? मैं कह रहा हूं एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसके आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को दूर से उठा करके यहां तक लाके रखा गया है। तो मुझे पॉइंट पी पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यानी कि मैं वर्क डन निकालूंगा, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एजम्पशन करेंगे। तो यहां पर एजम्पशन मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। लेट अस सपोज वी हैव अ पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड एट आर डिस्टेंस there is point test charge at P, then electric potential at P is given by, बेटा point P पर electric potential क्या होगा? V की value, तो V की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये होगा V की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। ओके बेटा, नाउ अब जब हम इस टेस्ट चार्ज को उठा करके लाए थे बेटा, इसके ऊपर हमने क्या काम किया, वर्क डन क्या किया था? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी the test charge inside electric field is given by, कैसे वर्क डन निकालते हैं? वर्क डन कैसे निकालते हैं? देखो बेटा यहां पर देखो साइड में V इक्वल टू होता था W अपॉन क्यू नॉट, यही तो फॉर्मूला होता था। तो W की वैल्यू अगर निकालना होगा तो W इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट, है ना? तो चलो आप लिखते हैं बेटा, लिखते हैं। तो सिंस V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, देयर फोर डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू नॉट। अच्छा मुझे यही वर्क डन तो निकालना था, यही वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। तो W को हम लोग U कर लेते हैं, W को हम लोग U कर लेते हैं और V की वैल्यू यहां से रख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर इंटू क्यू नॉट। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा सिर्फ बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं आपसे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी जगह से दूसरे जगह पर डिस्प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग वर्क डन करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर्ड एट ऑब्जेक्ट एज पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना था,
ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया, इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा, तो इस पॉइंट पर मैंने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, वी की वैल्यू निकाला, जैसा कि फॉर्मूला होता है मैं 1/4πε0Q/r, ये होता है किसी भी चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, फिर मैंने वी की वैल्यू निकाल दिया। अब मुझे वर्क डन निकालना था, तो वर्क डन का वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो डब्ल्यू की वैल्यू निकाला था डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू नॉट, तो यू डब्ल्यू कन्वर्ट हो गया यू में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो यू इक्वल टू 1/4πε0Q/r × Q0। समझ में आया बेटा, नोट डाउन करो। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा और उसको अपने दिमाग में नोट डाउन किया होगा, साथ में रफ कॉपी पे भी या फिर फेयर कॉपी पे भी इसको नोट डाउन किया होगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा क्या, जो कि होगा आपका बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। अभी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो बेटा देखो 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन। क्या होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट मींस, ग्रेडियंट मींस चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटी विथ चेंज इन पोजिशन, विथ चेंज इन पोजिशन, यही तो होता था ग्रेडियंट, पोजीशन, यही तो ग्रेडियंट आपने पढ़ा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा होगा आपने वहां पर 11th में। तो अभी हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन, दैट्स इट, हाँ यही तो होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे कैसे। ठीक, तो हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है बेटा, तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से एक पॉइंट ए है एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए, चलो फिर ठीक है। अब इससे थोड़ी सा डिस्टेंस, थोड़ा और डिस्टेंस मैंने ले लिया डेल एक्स, यानी कि डेल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है, ओके ओके ठीक है, समझ में आई बात बेटा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसके एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है और एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है। आपको ये बात पता होगा बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो ए और बी, तो कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली ए पर क्या होगा, ज्यादा होगा, और बी पे क्या होगा, कम होगा। जानते हो कि नहीं जानते हो, अरे चार्ज से दूर हटोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तभी तो होगा, पास आओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहां पर हमें कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं एजम्पशन लिख रहा हूं, लेट अस सपोज, ये ग्रेडियंट के डेफिनेशन मैं यहां से इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन लिखना है, तो मैं अभी लिखूंगा यहां, ठीक है। तो सबसे पहले लेट लेट एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉजिटिव क्यू चार्ज, देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट ए एट विच पोटेंशियल इज वी। क्या सपोज कर लिया, इससे एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है जहां पर पोटेंशियल क्या है, वी है, एंड एट एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस द पोटेंशियल बिकम्स बिकम्स वी से कम होगा बेटा, वी से कम होगा, तो वी माइनस डेल वी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वी माइनस डेल वी, ओके, इज इट क्लियर, एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस पर वी माइनस डेल वी है, ओके। नाउ नाउ चेंज इन पोजिशन,
चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन क्या होगा बेटा, तो x प्लस डेल x माइनस x, यही तो चेंज इन पोजिशन होगा बेटा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो x प्लस डेल x, इतने में से x को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा ये क्या आएगा डेल x, चेंज इन पोजिशन क्या आया डेल x आया, एंड चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा बेटा, तो v माइनस डेल v, है ना, बाद वाला पोटेंशियल v माइनस डेल v माइनस ऑफ v, माइनस कर देंगे तब चेंज आ जाता है। यहां क्या मिलेगा आपको डेल v इसके साथ, क्योंकि ये v भी कट जाएगा, यहां पर ये x x कट जाएगा, तो प्लस x आ रहा था, यहां पर माइनस डेल v आया, समझ पाई बात। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, क्या बताओगे, अभी बताया मैंने आपको कि कोई भी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन पोजीशन। तो अगर मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा तो यहां पर लिखूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू क्या बेटा, चेंज इन पोजीशन, यहां लिख रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन पोजीशन। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये हो गया आपका क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा, क्या हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज Change in potential with respect to change in position। बहुत खूब मेरे बच्चों, बहुत खूब, समझ में आ गई सारी बात। एक बार और बता दूं, तो देखो बेटा अगर कोई चार्ज है तो इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस चार्ज से जितना भी दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, या फिर कहो कि फोर्स की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो अगर किसी टेस्ट चार्ज को उठा करके लाते हैं, जितना करीब लाएंगे उतना ज्यादा वर्कडन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज उतना ज्यादा धक्का देगा और उस पॉइंट पर उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। इससे दूर जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो यही जो चार्ज को डिस्टेंस कवर करा रहे हैं ना, दूर लेकर के जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो दूर ले जाने के वजह से उसके पोजीशन के साथ कितना पोटेंशियल कम हो रहा है उसी के रेशियो को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई बात, नोट डाउन करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसको नोट डाउन करने में, आपकी समझने में। अब आगे बढ़ते हैं, अभी जो है बेटा मेरा जो काम है वो अभी खत्म नहीं हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ बेटा, अभी मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिलेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हेडिंग है बेटा मेरे पास, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि ई और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन फाइंड करना है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन फाइंड करना है कि क्या रिलेशन होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जो डायग्राम होगा आपका फिर से सेम डायग्राम होगा बेटा, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, इससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, और x प्लस डेल x डिस्टेंस पर, यानी कि डेल x डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी। चलो ये दो पॉइंट है, तो
सबसे पहले बेटा हम लोग निकालेंगे कि इस पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज के वजह से, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, तो इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स एफ, फोर्स इसके ऊपर, ए वाले पॉइंट के ऊपर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स एफ इक्वल क्या होगा बेटा? क्यू नॉट ई। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट क्या है? यही तो चार्ज है। और ई क्या है? इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने बोला कि फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज की वजह से। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो कूलम्स लॉ लगा दो, 1/4πε0q1q2r2, या फिर दूसरा एफ इक्वल टू क्यू ई, ये वाला भी फॉर्मूला आपको बताया था मैं, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर वन बना, ठीक है। अब निकालो वर्क डन कितना होगा। वर्क डन डब्ल्यू, यानी कि इस क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा डेल एक्स डिस्टेंस लाने के लिए, बताओ बेटा? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हमको इधर ट्रैवल कराना है इधर की तरफ, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर कराना है, तो नेगेटिव साइन होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव साइन के साथ ले लेंगे क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, इसको लाना है इधर की तरफ। तो डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स कितना है बेटा? क्यू नॉट ई इंटू डेल एक्स माइनस साइन के साथ, इज इट क्लियर? अब क्यू नॉट को इधर लेकर के आ जाओ बेटा, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू ई इंटू डेल एक्स, इक्वेशन नंबर टू बना। क्या आया बेटा? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू ई इंटू डेल एक्स, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू ई इंटू डेल एक्स, ये आया, आया कि नहीं आया? अच्छा जरा सा मुझे, जरा सा आप याद करो कि मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो यहां लिख रहा हूं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बताओ बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने क्या बोला था, यहां पर पोटेंशियल V A पर और B पे पोटेंशियल V माइनस डेल V। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस डेल V माइनस ऑफ V, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट चार्ज ना, यही तो, यही तो डेफिनेशन था। अरे बेटा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट चार्ज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना, वही तो यूज कर रहा हूं। V माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, दो पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि V माइनस डेल V एक पॉइंट का, माइनस V दूसरे पॉइंट का, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। तो जरा सा देखो, यहां पर मिलेगा आपको माइनस डेल बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये इक्वेशन नंबर थ्री बना, ये बना लो इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, अब जरा सा ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया आपका, इधर आया ना, हाँ, डेल बी, डेल बी इक्वल टू माइनस डेल बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो अगर इक्वेशन नंबर थ्री बन गया तो इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर टू एक साथ लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री। देखो दोनों का डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, दोनों में डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ई इंटू डेल एक्स इक्वल टू ई इंटू डेल एक्स की वैल्यू भी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है और डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू डेल वी है, माइनस डेल वी, तो माइनस डेल वी है ना। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्या हेडिंग था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E विद पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट था। बोलो हाँ या ना बेटा, हो गया कि नहीं हो गया, रिलेशन ला दिया कि नहीं ला दिया, क्या किया हूं ध्यान से देखो एक बार फिर। मैंने बोला एक पॉजिटिव क्यू, सेम डायग्राम है और सेम एजम्पशन भी सेम है, एक पॉइंट ए है जहां पर पोटेंशियल बी है, इससे डेल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी बी है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, तो बी माइनस डेल वी कर दिया, बी माइनस डेल वी कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि इस चार्ज की वजह से अगर यहां पर पॉइंट क्यू नॉट चार्ज है
तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगे, तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, इक्वेशन नंबर वन बना लिया। वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या माइनस डेल एक्स, क्यों, क्योंकि बी से ए ला रहे हैं और फोर्स उधर लग रहा है, तो माइनस डेल एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू नॉट इधर लेकर क्या है, इक्वेशन नंबर टू बना दिया। ओके, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, वी माइनस डेल वी माइनस वी, यानी कि दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। फिर इक्वेशन नंबर थ्री बना दिया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, ई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया। बोलो हाँ आना, समझ में आई बात की नहीं आ गई, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ गई बात, आगे बढ़ना उतना ही जरूरी है बेटा जितना जरूरी है आपका सिलेबस कवर करना है, बिकॉज अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम लोग स्पीड से नहीं चलेंगे तो आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि क्लास 12 के बच्चे किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क लें, इसीलिए मैं लॉकडाउन के टाइम में भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, और आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेटा, एंड योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ओके वर्क डन टू रोटेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान रीडिंग है बेटा, वर्क डन टू रोटेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसको रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पर क्या हो, पोटेंशियल सेम हो जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, जैसे यहां वाला पॉइंट, यहां वाला पॉइंट, यहां वाला पॉइंट, यहां वाला पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या हो, सेम पोटेंशियल हो। अगर 2 वोल्ट है तो यहां पर 2 वोल्ट हो, पूरा 2 वोल्ट हो, यहां पर 3 वोल्ट है तो हर एक जगह पर 3 वोल्ट हो, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं। तो यहां पर मैंने एक बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, माइनस क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा कितना, 2L, क्यों हो गया आपके पास एक डाइपोल, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो एक डाइपोल रख दिया कहां पर, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी मुझे इसको घुमाने के लिए क्या करना है, वर्क डन निकालना है, वही तो आपका हेडिंग है। चलो फिर ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो W इक्वल टू कितना लगेगा बेटा, P साइन थीटा, है ना, चलो बेटा, इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस करा रहे हैं। तो बेटा अगर कोई डंडा पकड़े हुआ, इस डंडा को अगर इस डंडे को आप रोटेट कराते हो, जैसे ये डंडा है, ये डंडे को अगर आप रोटेट कराते हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप किस फॉर्म में लोगे, मतलब आप इसको लीनियर मोशन में लोगे, लीनियर मोशन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, 2 मीटर 3 मीटर नहीं ले सकते हैं। देखो ऐसे अगर रोटेट कर रहा है तो 2 मीटर 3 मीटर नहीं ले सकते, हमें इसके डिस्प्लेसमेंट को थीटा के फॉर्म में लेना पड़ेगा। एंगल कितना चेंज हो रहा है, क्यों बेटा, एक सर्कल कितना एंगल क्रिएट करता है, जल्दी बताओ, एक सर्कल कितना एंगल क्रिएट करता है, 360 डिग्री एक सर्कल क्रिएट करता है। तो यहां पर हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको किस फॉर्म में लेंगे, एंगल के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तो इनटू एंगल,
इनटू एंगल। बेटा हमने फोर्स आपको लास्ट क्लास में बताया था, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बताया था ना, वहां से फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लिया, पी साइन थीटा इनटू एंगल, है ना। तो सबसे पहले बेटा जो वर्कडन हमें निकालना है, वर्कडन हमें निकालना है, तो हमें नहीं पता है कि मैं कितना डिग्री पूरा रोटेट कराऊंगा तो कितना वर्कडन होगा, थोड़ा सा रोटेट कराऊंगा तो कितना होगा। तो सबसे पहले स्मॉल एंगल चेंज की वजह से निकालते हैं, फॉर डेल थीटा स्मॉल एंगल चेंज के लिए। तो स्मॉल एंगल अगर घुमाएंगे तो थोड़ा सा ही तो वर्कडन करना पड़ेगा, तो यहां पर हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डेल थीटा, मतलब वर्कडन कितना हो गया, पी साइन थीटा इंटू डेल थीटा, इसलिए फॉर डेल थीटा रोटेशन, डेल थीटा रोटेशन, यानी कि छोटा सा एंगल अगर रोटेट कराएंगे। अभी भाई ये बताओ, अगर ये थोड़ा सा इसको रोटेट कराएंगे, थोड़ा सा रोटेट कराएंगे तो थोड़ा सा तो वर्कडन करना पड़ेगा, और जब इसको पूरा रोटेट कराएंगे तो ज्यादा वर्कडन करना पड़ेगा। तो मैं पहले छोटा सा निकाल रहा हूं डेल थीटा, थोड़ा सा घुमाने के लिए वर्कडन निकाल रहा हूं, तो डेल थीटा के लिए वर्कडन क्या होगा, छोटा होगा डी डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डीटा। अब सपोज कर लो बेटा कि आप डाइपोल को एक एंगल है थीटा वन से घुमाना स्टार्ट कर रहे हो, कहां तक लेकर के जा रहे हो, थीटा टू तक लेकर के जा रहे हो, यानी कि कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा वन से लेकर के थीटा टू, क्योंकि हमें पूरा वर्कडन निकालना है बेटा। तो पूरा वर्कडन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने लोअर लिमिट है, कितना हायर लिमिट है ना। तो हमने सपोज कर लिया कि थीटा वन से रोटेशन स्टार्ट किया और रोटेट कर करके थीटा टू तक लेकर के गए, ओके। तो अब क्या करेंगे बेटा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी, तो बाहर आ जाएगा बेटा पी कॉन्स्टेंट की तरह बाहर कर, क्योंकि डी थीटा के साथ साइन थीटा है, केवल उसका इंटीग्रेशन होगा, तो पी बाहर आ गया आपका इंटू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो डब्ल्यू इक्वल टू पीई माइनस ऑफ कॉस थीटा, लोअर लिमिट थीटा वन अपर लिमिट थीटा टू, कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहां लिखूं, यहां लिखूं, चलो यहां लिखता हूं, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी अपर लिमिट कितना है cos थीटा 2, माइनस cos थीटा 2 माइनस एक और माइनस है तो प्लस cos थीटा 1, है ना, क्लियर है। तो ये हो गया बेटा आपका w इक्वल टू p माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1, ये हो गया आपका क्या, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल। एक डाइपोल को घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मैंने लिखा हुआ है, ओके ओके। अब इफ अगर द डाइपोल इज रोटेटिंग फ्रॉम थीटा वन टू 90 डिग्री, थीटा वन से रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर रोटेट करा दे रहे हैं, तो थीटा वन रहेगा और थीटा टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो W इक्वल टू P माइनस cos 90 प्लस cos थीटा 1, यानी कि थीटा 1 से 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो वर्कडन कितना हो जाएगा बेटा, P cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू हो जाएगा बेटा आपका 0 प्लस cos थीटा, तो वर्क डन इक्वल टू पी cos थीटा, वर्क डन इक्वल टू पी cos थीटा माइनस cos थीटा, ओके। तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पी cos थीटा 1 ना, थीटा 1, ओके, यानी कि थीटा वन से 90 डिग्री कर दिया, ओके चलो ओके, वर्कडन हो गया बेटा आपका, वर्कडन हो गया, तो समझ में आया मेरी बात,
कि मैंने क्या किया बेटा, तो सबसे पहले हम लोगों ने W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाया और फोर्स का फॉर्मूला था P साइन थीटा, किसी डायपोल की वजह से फोर्स का फॉर्मूला था क्या P साइन थीटा इनटू एंगल, एंगल सपोज कर लेते हैं डी थीटा, यानी कितना एंगल चेंज करा रहे डी थीटा डेल थीटा, तो स्मॉल फंक्शन P साइन थीटा इनटू डेल थीटा, साइन थीटा का हो जाता है माइनस कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा टू एंगल चेंज हो रहा था, तो W इक्वल टू P माइनस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन. ओके, तो इफ द डिस्प्लेसमेंट इफ द डायपोल इज रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 1 टू 90 डिग्री एंगल, यानी कि स्टार्टिंग इनिशियल एंगल से लेकर 90 डिग्री पर रोटेट करा रहे हैं, तो P इक्वल टू माइनस कॉस 90 प्लस कॉस थीटा 1, तो P 0 प्लस कॉस 9 कॉस थीटा 1, तो P कॉस थीटा 1. ये हो गया आपका बेटा वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल. तो नोट करो बेटा, भी आगे बढ़ते हैं तुरंत, ठीक है, नोट डाउन कीजिए. रेस करो बेटा, चलो. तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा ये चीज. उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा. चलो, इसका अभी डायपोल का एक और केस बचा हुआ बेटा. इफ डायपोल इज रोटेटिंग, ये केस टू है बेटा, इसके पहले वाला केस वन था, ये केस टू है. इफ डायपोल इज रोटेटिंग फ्रॉम थीटा वन इक्वल टू जीरो टू थीटा, यानी कि जीरो से थीटा तक रोटेट करा रहे, यानी कि ऐसे रखा हुआ था फिर इसको फलाने एंगल पे रोटेट करा दिया, तो आपके पास वर्क डन निकालना था, तो वर्क डन इक्वल टू क्या था बेटा, पी माइनस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन. तो डब्ल्यू इक्वल टू पी, तो पी है बेटा, पी तो पी है, कॉस थीटा टू यानी कि थीटा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा वन यानी कि जीरो एंगल से ना, तो कॉस जीरो. तो डब्ल्यू इक्वल टू पी पीई माइनस कॉस थीटा प्लस वन, यानी कि कॉस थीटा प्लस वन, माइनस कॉस थीटा प्लस वन. दिस विल बी योर वर्क डन, दिस विल बी योर वर्क डन. इज इट क्लियर बेटा? चलो ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं. क्या किया था बेटा इसमें, ऐसे रखा हुआ था इसको थीटा एंगल पर, यानी कि थीटा इक्वल टू जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे ही था, लाइन लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जीरो एंगल क्रिएट कर रहा था और उसके बाद घुमा दिया इसको वन एंगल पे, ठीक है. तो थीटा इक्वल टू जीरो से थीटा एंगल तक रोटेट कराने में क्या वर्क डन होगा ये निकाल दिया. नोट डाउन करो बेटा, आगे बढ़ते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट डाउन किया होगा, और इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं. मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी नए सारे कई सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के. तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखना, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ बेटा कि ये आपके सर 12th की फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं. तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखना, वेट करो अगले लेक्चर के लिए. बाय.